नमस्कार दोस्तों, अभी आए हुए हैं खेड़ी गांव में, जो कि तहसील अटेली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में पड़ता है। राकेश शर्मा जी से बात करते हैं इस बारे में। आगे आ जाओ जी थोड़ा। ये है बकरियां इनके पास में, तो कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं और कितनी बकरियां, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम? राकेश शर्मा जी। से राकेश शर्मा जी, कितनी बकरियां हैं अपने पास यहाँ पे बिक्री के लिए? बिक्री के लिए हैं, जो ये आगे सारी घूम रही हैं ये बिक्री के लिए हैं। कितनी है नग गिनती में? गिनती 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 नग हैं जी। 25 के लगभग हैं? हाँ। बकरियां कौन कौन सी नस्ल में हैं जी? ये तोतापुरी में है। हाँ। और धोली माकड़ी में आती है नस्ल। 32 ही नस्ल है? हाँ। अच्छा, तो 32 वाली कितनी बकरियां हैं? 32 वाली 14 बकरियां हैं जी मेरे पास में। 14 बड़ी बकरियां हैं? हाँ। अच्छा जी, ये हैं जी 14 बड़ी बकरियां, और इधर ये हैं तोतापुरी की। ये तोतापुरी को बेचे जी। अच्छा, कब से रख रहे हैं बकरी जी? काफ़ी दिन से रख रहा हूँ, ये दो भाइयों का बंटवारा है जिस वजह से निकालना चाह रहे हैं हम। क्या कुछ हिसाब किताब रखने वाले हो बकरियों का जी? 15 से 17 तक का दाम है जी बड़ी बकरियों का। हाँ जी, बड़ी बकरियों का, और जो छोटी बच्ची हैं उनके वो वेट के हिसाब से लगेंगी जी। अच्छा, छोटी बकरियों बच्चियों का अलग रेट लगेगा। हाँ जी। बड़ी बकरी 15 से 17 हज़ार के लगभग में देंगे आप जी, जिनमें तोतापुरी भी होंगे, 32 भी होंगे। हाँ। अच्छा, ब्याई हुई हैं? हाँ जी, सारी ताज़ा हैं, किसी के नीचे एक बच्चे हटे, किसी के नीचे दो बच्चे हटे हैं जी। अच्छा, ताज़ा ब्याई हुई हैं? हाँ, सारी ताज़ा ब्याई हुई। अच्छा, बच्चे तो दो दो महीना की प्रेगनेंट हैं ये? दो दो, तीन तीन, ढाई ढाई महीने की प्रेगनेंट भी हैं ये। अच्छा, प्रेग्नेंट भी है। हाँ। और ब्याई हुई भी है। हाँ। बच्चे तो नहीं लेके आए ना इनके? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, अभी छोटे बच्चे, लू चल रही है आप जानते, गर्मी का मौसम है। हाँ हाँ। तो जी घर ही चल रहे हैं जी, घर पे ही चल रहे हैं। हाँ। दिखाओ अपनी कैसी क्या कुछ हैं। ये देखो जी, ये है बकरियाँ। ये बकरी है 32 वाली? हाँ जी। कौन से ब्यात की है? तीसरे ब्यात की है जी। कितने दिन हो गए ब्याए हुए? ये करीबन होगी डेढ़ एक महीने के आसपास होगी। थोड़ा आगे चलाओ जी। कितने बच्चे हैं इसके नीचे? एक बच्ची है जी, एक कर ले आई है, पिछले ब्यात में दो थी सी। आगे करो थोड़ा। दूध की कितने क्या कुछ है इसमें? 3 लीटर दूध तोल के दूंगा अगले के जचत ले जाओ। 3 लीटर दूध तोल के देंगे? हाँ। अच्छा, थोड़ी और दिखाओ बकरियाँ अपनी, काफ़ी बढ़िया है फिर तो। ये वाली बकरी कौन सी नस्ल में है जी? ये 32 में आती है जी। 32 में ही आती है। ये कौन से ब्यात की है? ये तीसरे ब्यात की है जी। कितने दिन हो गए ब्याए हुए? ये 2.5 महीने की प्रेगनेंट है। हाँ हाँ। और दूध है इसके नीचे 2 लीटर, ले जाओ आराम से, कोई दिक्कत अभी नहीं। है 2 लीटर? हाँ जी, तोल के दूंगा। 2.5 महीने की प्रेगनेंट है? हाँ जी। अच्छा, इसके हाथ बच्चे तो नहीं देंगे ना आप? नहीं, बच्चे सब एक्सपायर हो चुके हैं दोनों। सर, दोनों बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं जी? देखो झूठ। अच्छा, अपन ठीक है, और दिखाओ। अच्छा, ब्रीडर भी है अपने पास? हाँ, ब्रीडर है इनके। 32 का है? 32 का ये ब्रीडर है? दो ब्रीडर हैं। ले 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 ले, ये 32 का ब्रीडर है। अच्छा, ये 32 है इस तरह के कलर में? हाँ, जैसे तो कलर आएगा टाइप का नोज दिख रहा है वैसे तो नहीं जी। थोड़ा उधर घुमाओ जरा, ये देखो। कितने दांत में है? 4 दांत है जी। 4 दांत में ब्रीडर है, 32 नस्ल बता रहे हैं भाई इसकी। नोज को देखते हुए तो तोतापुरी लग रहा है। ये देखो वो तो कोई उठाव हो जाता है। अच्छा, ये वाला कितनी उम्र का है राकेश जी? ये जी वही 4 दांत ही बच्चा ये है। 4 दांत है? हाँ। ये तो बड़ा लग रहा है थोड़ा उम्र में। नहीं, दिखाना जरा। सेटअप पूरा कर गया? 6 कर लिए? 6 कर लिए जी। अच्छा ठीक है, तो ये जो ब्रीडर हैं इनका क्या कुछ रेट रहेगा? वही रेट होगा बकरियों के साथ में ही है जी, जो बकरियों के साथ जाएगा। बकरियां सारी इकट्ठी ही देंगे या फिर थोड़ा अलग भी है हिसाब किताब? अगर अलग लेंगे तो अलग के दाम होंगे, अगर एक साथ लेगा तो दाम ये होंगे। 25 बकरियां हैं जिनमें? हाँ। लगभग 25 हैं। हाँ। और कुछ छोटे बच्चे भी हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये वाली बकरी कौन सी नस्ल में है? ये तोतापुरी में आती जी। तोतापुरी में आती है, कौन से ब्यात में है अभी? ये तीजुण है जी। ब्याएगी? हाँ, प्रेग्नेंट है ये। कितने दिन बाद में ब्याने वाली है? 3 महीने की प्रेग्नेंट है।
इसके थन तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। चार थनी है जी, चार थन है, चारों में दूध आता है। देखो जी ये देखो, चार थन है ये, और ये देखो चारों में दूध आता है। ये देखो जी आपको क्लियर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिख गया, दिख गए जी, दिख गए। हाँ बढ़िया है जी। अच्छा भाई ये वाली, ये जखराना वाली नस्ल है जी, ये जखराना मिक्स है। हाँ प्योर तो जखराना नहीं है। नहीं ये देखो कुछ मिक्स है। हाँ अच्छा, कितनी उम्र की है ये? तीजुन पठिया है जी, तीस रुपये ब्याई गई है, दे चुकी है, ब्या चुकी, तीस बार तीस रुपये बच्चा दे चुकी है। हाँ काफ़ी बढ़िया है। कब से है अपने पास ये? मेरे पास पहलून से है, पहले ब्याज से है। हाँ दूध कितना तक बनाया इसने? ये 3.5 लीटर तक। अभी कितने दिन की ब्याई हुई है ये? 5 महीने की ब्याई होगी, 2.5 महीने की प्रेगनेंट है ये। अच्छा, और ये दूसरी वाली, ये वाली, उसको छोड़ दो परली को दो। हाँ ये तीजुन है, ये भी कितने दिन हो गए ब्याई हुई? एक हफ्ते की ब्याई हुई है। आगा की एक हफ्ते की आगा की प्रेगनेंट है, ब्याई हुई 1.5 महीने, 1.5 महीने की होगी। कितने बच्चे हैं इसके साथ में? एक बच्ची है जी, बच्ची एक बच्ची है। बच्ची इसके साथ में ही देंगे? हाँ जी ठीक, जिसके बच्चे दूध पीते हैं जो साथ देंगे जी। अच्छा जो दूध नहीं पीता वो नहीं देंगे जी। ठीक है, और ये वाली कितने दिन की ब्याई होगी? ये लगभग 2 महीने के लगभग, समथिंग 2 महीने के लगभग आसपास होगी जी। ये 2 महीने के लगभग होगी है। कितनी उम्र की है ये? चौथुन ब्याई है जी। कितने दिन हो गए? 2 महीने। 2 महीने की ब्याई हो गई है। 20 दिन की आगे की है जी, 20 दिन की आगे की है। बच्चे? बच्ची है, बच्ची है। हाँ जी, दो दिया था, एक ब्याती टाइम में वो हो गया, उसका लू लग गई, खराब हो गया, लू घाम मान गई एकदम से। मतलब बच्चे मर कैसे जाते हैं इतने ज्यादा जी? गर्मी क्लाइमेट नहीं झेलता है ना, एकदम गर्मश निकलता है तो जंगल में घूम रही है तो कहाँ बच्चों को बचाएंगे? मतलब बाहर ही ब्याज जाती है घूमते घूमते। हाँ घूमते घूमते ब्याज जाती है जी, तो थोड़ा बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फोन नंबर बताओ एक बार अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो। 8587869871। ठीक है, 93-51। हाँ 1951 1954 64। ठीक है जी।